नमस्कार, आप देख रहे पोल खोल पोस्ट। हम आज को एक नई खबर के साथ आपको बता दें, दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली नगर निगम में 6000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। दिल्ली नगर निगम ने 6589 नौकरियों का प्रस्ताव पास हो गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर यह जानकारी दी और कहा कि दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। इसमें उन्होंने यह भी बताया है कि किस पद के लिए कितनी नौकरियां होंगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि इसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा। राष्ट्रीय राजधानी में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का हमेशा जिक्र करने वाले केजरीवाल ने फिर कहा है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी ही नहीं होने देंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है। आज हमने दिल्ली नगर निगम में 6589 नई नौकरियां प्रस्ताव पास किया है। इन नई नौकरियों में 2949 सुरक्षा गार्ड और 3640 सफाई कर्मी शामिल होंगे। स्कूलों में अब सफाई के लिए अलग सफाई कर्मी और सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड होंगे। केजरीवाल ने आगे कहा है कि दिल्ली सरकार की तरह हम भी नगर निगम में शिक्षा को प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहे हैं। इन नई नौकरियों से हमारे अनेक युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारा उद्देश्य अगली पीढ़ी को तैयार करना तथा उन्हें बेहतर वातावरण देना है। शिक्षा के क्षेत्र में हम किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं होने देंगे। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को देखने के लिए बने रहें पोल खोल पोस्ट पे। धन्यवाद।